कितना हो सकता है, 1600 या 1000 ऐसे तो होना ही चाहिए शटर स्पीड, तभी आपको ये मूवमेंट का स्टिल फ्रेम मिलेगा, नहीं तो ऐसा हेजी ब्लर हो जाएगा। और अगर आप बैकग्राउंड के बारे में पूछ रहे हो, तो बैकग्राउंड मैंने इसके लिए शायद 9.1 या 8 रखा था, तभी ऐसा आएगा। जब आप इफ नंबर को बढ़ाओगे तभी पीछे का भी वो कुछ एलिमेंट ऐड करेगा, नहीं तो वो ब्लर हो जाएगा। हम लोगों को लगता है कि ब्लर इमेजेस ही मतलब ऐसे रैंक करेगा, नहीं, कभी कभी इसको नजरअंदाज मतलब नहीं कर सकते। तो सॉरी टू इंटरप्ट सप्तऋषि, वुड यू प्लीज डिफाइन सम टेक्निकल टर्म्स रिगार्डिंग फोटोग्राफी सो दैट आर ऑडियंस मोर रिलेटेड टू इट, कि हाँ ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इनका ये मीनिंग है, अच्छा ठीक है ठीक है। जो भी बेसिक टेक्निकल टर्म्स रिगार्डिंग फोटोग्राफी। हाँ, तो एफ नंबर मतलब है एपर्चर, वो जो एपर्चर वैल्यू होता है, एफ 2.0, 6.5, लाइक दिस, ठीक है। और थ्री एलिमेंट होता है हमारे पास फोटोग्राफी में, आईएसओ, शटर स्पीड एंड एपर्चर, ठीक है। और अगर आईएसओ की बात करें, वो है मतलब कैमरा जो हमको लाइट प्रोवाइड करता है, मतलब ऐसे समझ सकते हो कि लाइट है वो एक आईएसओ, ठीक है। और आप लोगों में जब इमेजेस लेते हो तब देखे हो कि ग्रीन आ जाता है, आईएसओ करोगे तो आपको ग्रीन आएगा, छोटा छोटा डॉट आएगा, तो वो क्यों आता है, वो आता है आईएसओ हाई है इसलिए, मतलब आर्टिफिशियल लाइट आपका ज्यादा हो गया उस इमेज पे, तभी इमेज में ग्रेन दिखेगा आपको। अगर तो आप क्या कर सकते हो, वो ग्रेन को रिड्यूस करने के लिए आप लोग आईएसओ को थोड़ा कम कर लो और शटर स्पीड थोड़ा एडजस्ट कर लो कि आपका हैंड शेकी ना हो। और अगर आप ब्लर इमेजेस चाहते हो, मतलब आपका सब्जेक्ट के ऊपर फोकस है और पीछे का एरिया आपको डेप्थ ऑफ फील्ड जो कहते हैं उसको, तो वो अगर आपको ब्लर चाहिए तो आप इस नंबर को थोड़ा कम रखो। अगर 70-300 mm का निकॉन का जो लेंस है उसके बारे में बात करें, तो वो 70 mm पे 4.5 प्रोवाइड करता है, तो वो ब्लर होगा और आपको सब्जेक्ट के नजदीक जाना पड़ेगा तभी वो ब्लर आएगा, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको बैकग्राउंड में ऐसा ही लाइक पीछे का भी कुछ सब इस इमेज की तरह, ये जो लहर है इसका टेक्सचर देखो, ये जो है लहर मतलब समझ आ रहा है ना, तो उसके लिए आपको एपर्चर वैल्यू को थोड़ा हायर रखना पड़ेगा, लाइक 7.1, 9.0, वो लाइट के लिए एक्चुअली नहीं, मतलब आपको जैसा लाइट हिसाब से आपको एफ नंबर को एडजस्ट करना पड़ेगा, सभी तो लाइट का ही खेल है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी ये सब्जेक्ट का थोड़ा गलती हो गया, ड्रैगन फ्लाई वो पहले का टेम्पलेट का ही इधर हो गया। ये कॉटन पिग्मी गूस, ये एक कॉटन पिग्मी गूस है, और ये डेलाइट का मून, उस दिन मून दिख रहा था, शायद 11 बजे ही था ये इमेज, तो ये जा रहा था तो मैंने इसको फ्रेम में लिया, तो इस पे भी एफ नंबर ज्यादा था इसीलिए ये मून का जो टेक्सचर है ये आया, नहीं तो अगर मेरा अपर्चर 5.6 है, था मैं बेसिकली 500 mm पे शूट करता हूँ, निकॉन का 5.6 है उसका वैल्यू सबसे लोअर, तो इसके लिए मैंने वही 11 रखा था शायद इफ अपर्चर वैल्यू, मेरे को दोनों ही फोकस में आया। अगर ये इमेज में दिखा सकता था तो आप जूम कर सकते हो, दोनों पे ही फोकस है, वो अपर्चर वैल्यू अगर आपका तो ऐसा ही इमेज आएगा। अगर मेरा 5.6 या 6.3 रहता तो ये नहीं आता, इसका थोड़ा सा आता पर ये ब्लर हो जाता, तो मेरा फ्रेम इंटरेस्टिंग नहीं होता, सिर्फ आई लाइक इसका दिस ही। कॉम्पोजिशन अ लॉट, दिस इज अ हाँ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन। मतलब मन में ही इसको हटा दो, ये मून नहीं है तो ये क्या फ्रेम बनता, सिंपल सा एक नॉर्मल सा फ्रेम हो जाता, लाइक ऐसा ही, तो तभी इंटरेस्टिंग नहीं होता फ्रेम। ये भी पॉइंट एंड शूट का ही है, तो इससे आप कॉम्पोजिशन का एक अंदाजा लगा सकते हो, इमेजेस में कॉम्पोजिशन वेरी मच मैटर करता है, सिर्फ इमेजेस लेना और इमेजेस क्रिएट करने में बहुत डिफरेंस
दोनों अलग टर्म है, फोटोज लेना और फोटोज। ये प्लेन टाइगर है, और ये जो है ना, ये देखो, ये जो फ्लावर है, ये इसका होस्ट प्लांट है, हेलियोट्रोप है नाम इसका फ्लावर का। अगर ये प्लांट आपको कहीं दिखे ना, वहां पर ये होगा ही होगा, बहुत चांसेस है पर ये बटरफ्लाईज रहे। ये शायद आप लोगों के वहां है, पर रूरल एरिया में ऐसा होता है। तो अगर ऐसा आपको प्लांट दिखे तो वहां पे कम से कम तो 20, मेरे यहाँ पर भी के आजू बाजू मतलब 20 या 15-20 तो बटरफ्लाईज रहते ही है। मेरे फोन से भी लिया हुआ है फोटोज, इतना पास जाने देता है। और एक बात, अगर जब आप फोटोग्राफी करने जाते हो तो कभी किसी प्लांट मतलब किसी स्पीशीज को कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखिए। एक डिस्टेंस मैटर, डिस्टेंस का एक ध्यान रखिए कि एक डिस्टेंस से फोटोज लीजिए, क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, सभी को ध्यान रखना चाहिए। दिख के उड़ जाता है वो अलग बात है। ये ब्लोवर है, ये भी खेत से लिया हुआ एक ग्राउंड है। लाइक ये शॉट तो आई लेवल का है, आपको दिख ही रहा है। तो जब आप किसी बर्ड या बटरफ्लाई को जब आप आई लेवल से शॉट करते हो, तो तभी एक कनेक्टिंग सा फील होता है। अगर इसको समझो कि ऐसे ऊपर से लिया हुआ, तभी तो कोई ऐसा कनेक्टिंग नहीं लगता ना। अगर आप आई लेवल से लोगे फोटोज तो ऐसा भी फ्रेम आ सकता है, लाइक सामने का जो है एरिया, वो एरिया वो भी ब्लर, सिर्फ आपका सब्जेक्ट विजिबल हो, अच्छा दिखता है। इसका एक कनेक्टिंग कनेक्टिंग सा फील आता है ना। एक क्वेश्चन था मेरा इस पे कि पर्सपेक्टिव जो होता है जैसे आई लेवल या ओवर द टॉप या जो भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर देते तो अच्छा होता। ठीक है, जैसे कि ये फोटो, ये तो आई लेवल का ही है, मतलब आई लेवल मतलब उस अगर एक बटरफ्लाई है, कहाँ गया, ये देखो सभी इमेजेस उसके ही लेवल का है, आगे भी देख सकते हो। नहीं, ये तो ऊपर था, ये भी एक था आई लेवल का ही। और क्या क्या पर्सपेक्टिव हम लोग यूज कर सकते हैं? आई लेवल के अलावा मतलब वही ना, जो आपको एक फ्रेम तो आपको सोचना पड़ेगा। ये फ्रेमिंग तो मैं नहीं सिखा सकता, कोई भी नहीं सिखा सकता आपको कि कैसे फ्रेमिंग करना है। लाइक ये आपको हो जाएगा कि चलो इसको ऐसे ले सकते हैं। अभी आई लेवल के अलावा कुछ फ्रेमिंग का अभी ऐसे कैसे बता सकते हैं, ठीक है आगे देखते हैं, अभी निकल के आएगा कुछ ना कुछ। देखो ये कुछ अच्छा फ्रेम नहीं लगा मेरे को, मैं फिर भी यहाँ पे रखा इसको, क्योंकि ये एक लेक है, वही जो आगे मैंने दिखाया लेजर विस्लिंग डक का, तो उसी वहाँ का ही इमेज है। तो ऐसा एक छोटा सा एरिया है जहाँ पे ये लोग उठ के बैठते हैं, यहाँ पूरा एरिया ये लोग कवर करते हैं, एक दो लाइक और भी रहते हैं यहाँ पे। तो ये भी एक मतलब इनका हैबिटेट कह सकते हो, ये ऐसा बैठते हैं इधर। ये ट्वेनी कोस्टर है, ये वही होस्ट प्लांट है, मतलब यहाँ पे बटरफ्लाइज रहता है, ये प्लांट होगा तो बटरफ्लाइज रहेगा बहुत है। इसका अपर्चर 5.6 था, इसीलिए इसका जो पीछे का मतलब बैकग्राउंड है वो ब्लर हुआ है। इसका फ्रेम तो ऐसे भी हो सकता था, ऐसे ठीक है, तो इसको ऐसे टिल्ट करके कैमरा को मतलब वर्टिकली, तो जब ये आ रहा था तो तब मैंने लिया, तो एक अच्छा सा फ्रेम लगा मेरे को, तो मैं ऐसे भी ले सकता था, वो तो न्यू भी जैसा हो गया फ्रेम। ये ट्राई कलर मुनिया है, मैं भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा फोटोज लेना, उसके बाद थोड़ा एडिटिंग, मतलब कुछ एलिमेंट ऐड मत करना उस इमेज में फोटोशॉप। अभी तो सभी को फोटोशॉप आता है, अच्छा अच्छा एडिटिंग करते हैं, पर कुछ ऐड या रिमूव मत करना। हाँ, अगर कुछ नॉइज वगैरह है या कुछ स्पॉट हो गया कैमरा का,
तो वो आप लोग रिमूव कर सकते हो, पर कुछ ऐसा ऐड मत करना, उससे आपको इमेजेस में अच्छा लगेगा पर कुछ काम का नहीं रहेगा, आप कुछ कंपटीशन में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो, ऐसा बहुत दिक्कत हो सकता है, फिर आपको अच्छा फ्रेम बनाने का मौका भी नहीं मिलेगा आगे, आपको तो लगेगा कि मैं वैसे ही फ्रेम बना दूंगा कोई नहीं। इसके पहले अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो, अभी तक जो हुआ है, कुछ जानना है, कुछ कहना है। मुझे एक क्वेश्चन था पोस्ट प्रोसेसिंग से लेके नॉइज रिडक्शन के बारे में ही। अगर उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हो कि कैसे होता है नॉइज रिडक्शन, क्योंकि मैं जब नॉइज रिड्यूस करता हूँ तो ऐसा होता है कि जैसे अगर तो पूरा इमेज ही सॉफ्ट हो जाता है सब कुछ। मैं लाइट रूम यूज जनरली मतलब मोबाइल पे, तो अच्छा, तो पहली बात कि आप इमेज रॉ में लेते हो या जेपेग में? कभी कभी रॉ में लेता हूँ, कभी कभी जेपीईजी में लेता हूँ, क्योंकि रॉ का स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है तो वो दिक्कत गणित रहता है, सबको दिक्कत रहता है वो। आप एक काम कर सकते हो, आप एक रॉ इमेज को लेके और एक जेपेग को लेके आप एडिट करो, ठीक है? उसके बाद वो आप नॉइज रिडक्ट करो, जो होता है ना वो, मैं तो लाइटरूम भी यूज करता हूँ और सब एसीआर भी यूज करता हूँ। एसीआर में, फोटोशॉप एसीआर में एक अलग सा आता है नॉइस रिडक्शन करके, तो उससे हो जाता है। और लाइट रूम में है शायद शार्पनिंग करके ना, एक शार्पनिंग होता है, और नॉइस का क्या होता है नॉइज रिडक्शन का भी होता है, पर क्या होता है ना मेरे साथ, मैं नॉइज रिड्यूस करता हूँ वो ज्यादा ब्लर तो हो जाता है ना। मतलब पूरा सारा इमेज स्मूथ हो हाँ, जाता है पूरा। वो दिक्कत है इसलिए क्योंकि आप जेपेग में ले रहे हो, वो इमेज जो एडिट करते हो वो जेपेग में है। अगर आप रॉ का एक इमेज देखोगे तो तकरीबन कम रहेगा, तो थोड़ा कम करो। और ग्रेडियंट फिल्टर भी आप यूज कर सकते हो नॉइज को रिडक्ट करने में, लाइट रूम में भी है और फोटोशॉप में भी है, तो आप लोग एक बार लेना, नोट कर लो ग्रेडियंट फिल्टर करके, ठीक है? उससे आप लोग लाइक बैकग्राउंड का एरिया जो है ब्लर कर सकते हो, या ब्लर के जगह कुछ ऐड भी कर सकते हो, मतलब फोकस ऐड ऐसे कुछ, शार्पनिंग वगैरह। अभी आते हैं वो एलिमेंट का जो मैंने बोल रहा था ना, वो नेचुरल एलिमेंट, लाइक इधर जूम कर लो थोड़ा, अभी आपको थोड़ा अंदाजा होगा, अभी तो क्लियर नहीं होगा शायद। देखो अब यहाँ पे एक कॉर्मोरेंट कॉर्मोरेंट बैठा है, और ये देखो ये जो व्हाइट कलर का बॉर्डर है, अगर मैं ऐसा फ्रेम लिया तो हमें कुछ ऐसा फ्रेम दिखने को मिलेगा, आफ्टर ऐसा मिलेगा। तो हम लोग अगर ये इसके बाजू में एक बुश था लीफ का, तो हम लोग अगर इसके बीच से लेते हैं इस इमेज को, ये देखो ये जो झाड़ी है इसके बीच से लिया हुआ है, मतलब ऐड किया मैंने एलिमेंट, इसके बाद बीच से लिया तो ऐसा फ्रेम आया मेरे को, तो एक एक्साइटिंग लगा मेरे को कि कुछ ऐड हुआ। ये तो डल हो गया इमेज, पीछे का स्काई है तो स्काई के मतलब बैकग्राउंड स्काई हो गया, तो ये तो मेरे को ठीक नहीं लगा, ये मेरे व्यूज है, ठीक है? मैं क्रिएट करता हूँ, इसको कहते हैं फोरग्राउंड, और जो पीछे का होता है उसको कहते हैं बैकग्राउंड। आप बैकग्राउंड सभी देखते होंगे कि आप बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग होता है, आप फोरग्राउंड भी इंटरेस्टिंग कर सकते हो ऐसे कुछ एलिमेंट ऐड करके, लाइक आजू बाजू देख लो कोई कुछ होगा तो बीच से लो उसको, एक उसको ब्लार करके लो, आपका जो सब्जेक्ट है उसको फोकस में रखो, पर वो जो सामने का एलिमेंट रहेगा उसको ब्लार करो, तो तभी आपका फोरग्राउंड भी एक इंटरेस्टिंग सा बनाएगा आपको फ्रेम का। इसके लिए आपको मैनुअल फोकसिंग की जरूरत पड़ेगा, अगर आप ऐसे कुछ ले रहे हो मतलब बीच से लोगे तो आपको पहले बाहर फोकस कर लेना पड़ेगा मैनुअली, फिर जाके से आपको लेना पड़ेगा फ्रेम। ये भी एक नेचुरल एलिमेंट का ही है, ऐसे भी ले सकता था मैं, मतलब लिया है ऑब्वियसली, पर ये बैकग्राउंड जो है ये आई है, इधर ही कहाँ बैठा था ये, लिप्स को फोरग्राउंड बनाया और लिया ये फ्रेम, मतलब पॉइंट एंड शूट का ही है ये, पर ऐसा इमेजेस से बेहतर ये है।
तो आप लोग ट्राई कर सकते हो फोरग्राउंड ऐड करके, मतलब कभी भी कुछ भी फोटोज लेना है तो किसी लीफ के बीच में से ले लो, देखो वो फ्रेम कैसा बनता है। अभी है हैबिटेट शॉट्स, लाइक ये सभी जो हैबिटेट शॉट्स है ना, ये हमारे रूरल एरिया का ही है, या तो दिखता ही है ऐसा। और हुपे का ये जो है बर्ड, इसका नाम हुपे है, ये बहुत ब्यूटीफुल बर्ड है, तो लोकल लोगों भी नहीं पहचानते इसको, पर दिखना चाहिए सबको, तो इंटरेस्ट ग्रो करना चाहिए हमारे आजू बाजू क्या होता है इस पे। ये देखो ये दो बच्चे हैं, ये रास्ते से आ रहा था, और ये जो बर्ड है ये इनके साथ बहुत फैमिलियर है, मतलब सभी के साथ जो भी फार्मर्स है, हम लोगों को तो बहुत ही करीब से फोटोज लेने देता है। ये जूम करना है इधर, ये इसका जो है ये जो ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, एक दिन मेरे को मतलब दिखा, ये पहले नहीं दिखा था मेरे को, अभी भी नहीं दिखता है ऐसा। ये जूम कर लो थोड़ा तो तभी दिखेगा, ये कुछ है, इसका नाम मुझे नहीं पता, ठीक है उसके लिए सॉरी, पर मुझे ये दिखाना था आप लोगों को, मुझे भी दिख के ताजुब लगा, और आप लोगों को भी दिखाना था कि ऐसा भी कुछ इंसेक्ट है, एक स्पाइडर जैसा ही है, पर स्पाइडर तो शायद नहीं है, पता नहीं ऐसा स्पाइडर दिखा नहीं मैंने पहले। ये एक ट्रेल टाइप का कुछ है, और इधर इधर जो है इधर ये स्पाइडर वे भी है, ठीक है जहाँ पे ये कुछ इंसेक्ट था। इंसेक्ट ट्रैप हो गया स्पाइडर वेब में, इसलिए हाँ वो क्या शायद फंस गया हो, कि ये इसका कैच है और ये इधर ही रहता है, जब ये हटता है तो इधर का थोड़ा स्पेस हो जाता है और ये यहाँ पर रहता है। मुझे इसका थोड़ा नहीं पता डिटेल्स वगैरह, तो मत पूछना, ये जस्ट दिखाना था आप लोगों को। ये इगरेट है, ये तो शायद आप लोगों को भी दिखता है ना, आपके इस बर्ड को तो आप कहीं पे भी देख लो तो पूरे पे ही वाइट रहेगा। ब्राउन। हाँ नहीं नो इट्स इगरेट, व्हाइट हेरॉन नहीं है। ये ट्री क्रिकेट है, हमने इसको काना में हमारा एक वर्कशॉप या इवेंट था वहां पे लिया था। आप लोग फोटोज लेके किसी कंपटीशन भैया में? हाँ भैया अब तो ऑडियो, सौरभ, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, सो टाइप इन द चैट बॉक्स, वील रीड द क्वेश्चन। यस आई एम वेटिंग फॉर योर चैट बॉक्स मैसेज। तक आप लोगों में से किसी ने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है पहले, या करना चाहते हो? आई थिंक करना तो सभी चाहते हैं व्हेन दे गेट फोटोज वैसा। वो तो सभी है ना, पर अगर कोई किया है तो वो जरा बताओ। ऐसा कोई मेजर कंपटीशन में तो पार्टिसिपेट नहीं किया नहीं ऐसे कुछ भी इंटर कुछ भी है, कॉलेज। अरे हाँ कुछ भी कॉलेज, मतलब वाइल्ड लाइफ या ओके नेचर का कुछ, बर्ड नेचर, वहां पे कैसे इमेजेस विन होते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, तो आप हाँ लोगों को प्लीज थोड़ा। प्लीज बता दीजिए कैसे, मतलब किस टाइप का जूरी होता है, क्या होता है। तो ऐसा होता है कि जो जूरी मेंबर्स होते हैं वो ऐसे ही इमेज प्रेफर करते हैं, लाइक देख लो अगर कोई कॉन्जर्वेशन रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो वो प्रेफर करेगा कॉन्जर्वेशन, आपका कितना भी अच्छा इमेज हो वो मतलब क्लियर एंड शार्प एंड लाइक जितना भी अच्छा हो वो लोग कॉन्जर्वेशन को ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो लोग कॉन्जर्वेशन का ही ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है तो वो लोग ऐसे ही करेंगे। अगर आप चलो आप अगर कोई दूसरा कंपटीशन या बर्ड कंपटीशन या वाइल्ड लाइफ में है तो वहां तो आपको इमेजेस में एक फ्रेम कॉम्पोजिशन यही मैटर करेगा, शार्पनेस, ठीक है। आप एक बहुत बड़ा मतलब एडवांटेज होता है कि आप अगर किसी बर्ड वाइल्ड लाइफ या एनिमल का हैबिटेट दिखाते हो अपनी इमेज में तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है आपको। लाइक ये एक ट्री क्रिकेट है, एक ट्री क्रिकेट, और यहाँ ये क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है,
अगर कोई जूलॉजिस्ट होगा तो वो बता सकता है, अगर मेरा तो काम है फोटोज लेना और थोड़ा बहुत जानकारी रखना, इतना तो बाद में किसी ना किसी से तो जानना ही पड़ेगा ये क्या था। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी तक पता नहीं है, क्योंकि मैंने भी तो अभी सीख लू क्या है। ये एक फ्रेम था मैंने लिया, शायद मीटिंग हो रहा था, ठीक से पता नहीं। ये ड्रैगन फ्लाई है, आप लोगों को सेवास मैगजीन का पता है, लाइक वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन सेवास, तो उनके शायद मार्च के एडिशन में ये फोटो होने वाला है, उन्होंने बात किया मेरे से, शायद होगा। ड्रैगन फ्लाइज है, इसके पीछे का जो स्टोरी है तो आपको कभी ऐसा दिखेगा नहीं, मैं श्योर हूँ कि आप लोगों ने से किसी ने भी ऐसा देखा नहीं है पहले, देखा है नहीं, इतना देखा नहीं है, मैंने भी नहीं देखा था, पर उस दिन मैंने देखा। ठीक है, ये क्या हो रहा था, इधर एक पॉन्ड है और उसके ऊपर थोड़ा सा ही 1 या 2 फीट का ऊंची पर इधर एक ट्री का ब्रांच पड़ा हुआ था, उसके ऊपर ऐसा था और इधर भी और साइड में भी, इसके मैंने फ्रेम में नहीं ले पाया, पैनोरामा होता तो शायद हो जाता, पर कैसे होगा पैनोरामा, और भी थे ये लोग जब मतलब एग्स देते हैं तो तभी ये लोग ऐसे पॉन्ड के ऊपर बैठते हैं, ये ड्रैगन फ्लाइज ऐसे ही इसी पोस्चर में बैठते हैं, मतलब ये जब एग देते हैं तभी ऐसे करते हैं, ये इसका बिहेवियर है, तो इसका हैबिटेट शॉट्स है, आप इसी से जान सकते हो कि ये लोग जो है ये ड्रैगन फ्लाइज ये एग ले करेगा। क्वेश्चन था मेरा एनिमल बिहेवियर को लेकर और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी को लेकर, तो अगर जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है तो उसमें एक एनिमल या जो भी आप सब्जेक्ट को क्लिक करना चाह रहे हो उसके बिहेवियर को जानने से कितना इम्पोर्टेंस और कितना फायदा होता है? नहीं वो तो जरूरी, बहुत जरूरी है, लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक कॉर्मोरेंट है, आप उस कॉर्मोरेंट का एक फ्लाइट शॉट लेना चाहते हो तो आप कैसे मतलब एग्जैक्ट टाइम में क्लिक कर सकते हो, अगर आपको पता होगा कि वो कब उस पानी में से फ्लाई करेगा या निकलेगा तो आप चांसेस है कि आप ले सकते हो उसका। आप लोग अगर दिखे हो तो मुझे नहीं पता कि, पर हम लोगों ने तो एक्सपीरियंस किया है कि जब कॉर्मोरेंट फ्लाई करने के लिए रेडी होता है तब वो अपना विंग्स बहुत जोरों से पानी में झटकता है, ठीक है, उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ ये अभी उड़ सकता है। तो एक कॉमन किंगफिशर है तो उसका भी है कि अगर वो पानी में पानी का इमेज अगर लेना चाहते हो तो उसका जो ड्रॉप का इमेज है वो अगर एक बार ड्रॉप किया तो चांसेस है कि या 3 बार ड्रॉप करे अगर उसको मछली नहीं मिला तो, ठीक है, वो 2 से 3 बार ट्राई करेगा ही करेगा, ठीक है, तो मैंने ये देखा है। अभी यहाँ पे मैं वो कॉमन किंगफिशर का ड्रॉप वाला इमेज नहीं, अगले दिन ही लिया, वो पहले दिन कल को। ये एक पीकॉक पैंसी है, स्पाइडर का वेब में फंस गया है और बहुत कोशिश किया कि अपने को इससे दूर करे पर हुआ नहीं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका विंग्स जो है वो टियर हो गया। ये भी एक स्पाइडर वेब का हैबिटेट है शॉट, एक स्पाइडर अगर हो जाता तो मजा ही आ जाता फ्रेम में। ये पीकॉक पैंसी है, ये जो फ्लावर है ये बर फ्लावर है, बंगाली में इसको कहते हैं कदम फूल। तो ये पीकॉक पैंसी ऐसे ही पडलिंग करता है जब भी कोई फ्लावर, मतलब कोई फ्लावर नहीं, ये जो बर फ्लावर है इसके ऊपर ये बैठता है ऐसे। ये बहुत सारे थे पर सबको मैंने मतलब ले नहीं पाया, उस टाइम मेरे पास लेंस नहीं था। तो वाइल्ड लाइफ और बर्ड में हमेशा वो बड़ा लेंस मैटर नहीं करता, कभी कभी छोटा लेंस भी बहुत काम का होता है, लाइक 1855 7300 mm, ये तो बहुत मतलब काम का लेंस है। मैं आगे जब क्रिएटिव शॉट्स में आऊंगा ना तभी आप लोगों को दिखाऊंगा कि 7300 mm से कैसे हम लोग मतलब अच्छे से अच्छा फोटोज ले सकते हैं। क्रिएटिव शॉट्स तो मेरा फेवरेट है, अभी मैं उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ। ये भी एक स्पाइडर और ये एक येलो टिप बटरफ्लाई है जो यहाँ पे इसका वेब में फंस गया है और
इतना छोटा सा स्पाइडर है और उसका देखो ये एक बटरफ्लाई फंस गया इसके जाल पे, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग वेव होता है। डैमसेल फ्लाइज, आपने देखा है डैमसेल फ्लाइज का मेटिंग कभी किसी ने? कि फर्स्ट टाइम है, ये तो देखना ही चाहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। मतलब ऐसे फोटोज में ही देखा है पर ऐसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस कभी नहीं किया है। बहुत कुछ मिस कर रहे हो तुम लोग। देखो यार अपने चारों तरफ एक्सप्लोर करो, बहुत कुछ है दिखने को, सिर्फ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में क्या। कृषि most of us are from Delhi and we are from Delhi University. So would you please suggest some ideas like how we can explore that our campus? अब देखो कैसे, मतलब as a student we don't have cameras, we only have our phone. So with phone and with our surrounding degraded nature of in Delhi, how we can explore environment? देखो अभी तो मैं तो दिल्ली में नहीं रहता हूँ तो मैं वो कैंपस का तो नहीं कह सकता कि आपका कैंपस कैसा है। अगर कोई ट्री होगा तो आप लोग उस पे देख सकते हो कि अगर कुछ झाड़ है तो मैक्रो तो मिलेगा ही मिलेगा, लाइक छोटा सा स्पाइडर। मैक्रो फोटोग्राफी में शायद अगर झाड़ होगा मतलब कुछ बुशेस होगा तो फॉरेस्ट, छोटा सा भी कुछ ना कुछ अगर गार्डन होगा तो वहां पे तो मैक्रो का सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये जो सभी मैंने इमेजेस दिखाया है ये मेरे आजू बाजू से ही लिया हुआ है करके, मुझे ऐसा कुछ ढूंढना नहीं पड़ा। अगर आप अगर कोई बंदा अगर कोई कुछ कहना चाहता है शायद। कुंदना, देयर इज सम डिस्टरबेंस फ्रॉम योर साइड, कुड यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ और इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन बट देयर इज डिस्टरबेंस कमिंग फ्रॉम योर साइड। बोलने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो चैट बॉक्स में। दिस वन अभी आगे और भी मीटिंग का इमेजेस है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, आप लोगों को भी दिखने मिलेगा कि कैसे होता है। आप एक अच्छा फोटोग्राफर तभी हो जब आप किसी को इंस्पायर करो या आपकी इमेजेस से कुछ इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर सके हो। ठीक है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, दूसरों का पता नहीं। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था ना तभी तो सिर्फ ऐसे ही फोटोज ले लेता था, कुछ कॉम्पोजिशन भी नहीं रहता था। ठीक है, पर निकलो और खींचो जो भी आए। ठीक है, पर धीरे धीरे Satrishi, just assume a condition that there is a person, कोई एक simple सा student है, उसके पास एक basic से basic phone है, and he is one of the person who loves nature, and he want to be photographer. तो एक simple phone और nature's love के साथ वो starting कैसे कर सकता है? ऐसे कौन से platforms हैं, YouTube हैं जिसमें वो कुछ suggestions ले, ऐसे कौन सी magazines हैं, कौन से competitions जो annually होते हैं जिसके थ्रू बच्चे अपने अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं? जी अभी आप इधर एज कितना होगा आप, मतलब सभी को एक एवरेज सा एज बता दो। अराउंड 18 से 20 21 ओके। अगर आप अंडर 18 हो तो आपको तो मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में आपको फ्री एंट्री मिलेगा, तो आपका चांसेस बहुत हाई हो जाता है कि आप आपका इमेज शोकेस कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो पूरे वर्ल्ड के। और बहुत ही मतलब ऐसे रिनाउंड वेबसाइट्स है, ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मतलब मौका देता है। अगर आप 18 के ऊपर हो तो कॉम्पिटिशन थोड़ा टफ हो जाता है क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स है जो आपके एज से बहुत ही बड़ा है और उन लोगों का वर्क एक्सपीरियंस आपसे बहुत ही बेहतर है क्योंकि उन लोग तो बहुत सालों से कर रहे हैं। लाइक अगर मुझे पूछो तो मैं तो अंडर 18 अभी था तो मेरा तो एज अभी अंडर 18 से ऊपर हो गया, लाइक आई एम 19 दिस ईयर, तो मैं अभी सीनियर कैटेगरी में आ गया, तो मेरा एक्सपीरियंस अभी बहुत कम है उन लोगों से। अगर मैं कॉम्पीट करने जाऊंगा ये दिक्कत वाली बात हो जाएगा अभी। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस मेरे से बहुत हाई है, तो कहीं ना कहीं ये मेरा एक बैड पॉइंट है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं छोड़ दूंगा इमेजेस लेना,
अभी जब क्रिएटिव शॉर्ट्स में आऊंगा तो तभी आप लोगों को दिखेगा कि ऐसे भी इमेजेस हो सकते हैं, लाइक आप लोगों को पहले शायद नहीं देखे हो। वो मेरा फेवरेट है। और वो जो फोटोग्राफी, वो जो कृष्णा भैया ने बोला कि कोई एक आम बंदा होगा तो वो एक फोन से कैसे ले सकता है, अरे वो तो मैं ही हूँ। कभी कभी तो मैं भी लेता हूँ फोटोज फोन से, हर वक्त तो कैमरा नहीं रहता है। और यहाँ पे जो भी इमेजेस दिखा है वो एक बेसिक सा ही DSLR से लिया हुआ है, और ज्यादातर तो वो निकॉन का जो है, निकॉन D5300। आप लोगों में से अगर कोई DSLR यूज करते हो तो कौन सा मॉडल है थोड़ा बताओगे तो इजी मेरे रहेगा। पास सोनी का मिररलेस है, सोनी 6600। अच्छा, सोनी का। सोनी मैंने यूज नहीं किया है तो नहीं बता सकता, सॉरी। तो वही एक ही है, अगर DSLR होगा तो थोड़ा इजी रहेगा। DSLR मोबाइल में लिमिटेशंस तो जरूर है, ठीक है। तो आप अगर सोचो कि मोबाइल से मैं ऐसे डैमसेल फ्लाई का मेटिंग का इमेज लूंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर बटरफ्लाईज का आ जाता है शायद, मेरा इंस्टाग्राम पे भी है कुछ सैमसंग से लिया हुआ, आप ले सकते हो। लाइक वो अगर आपको कैंपस में कहीं पे गार्डन है तो आप जा सकते हो, थोड़ा विजिट कर लो, थोड़ा आधा घंटा एक घंटा घूम लो, आपको कुछ ना कुछ स्पाइडर बटरफ्लाई मिलेगा ही मिलेगा। तो आप ट्राई करो फोन से ही लेने का, होगा। सत्यशील, वन मोर थिंग, वी आर यू नो रनिंग बिहाइंड टाइम, सो वी नीड टू पिक इन अप अ ओके ओके लिटिल। श्योर। तो ये एक डैमसेल फ्लाई का है, ये देखो ये एक वाकटेल है, मैंने इसका इमेज पहले दिखाया। और ये मीटिंग का है जो पहले देखा, ये जो मीटिंग का था, और एक इसको इसने पकड़ा है तो ये फीड करता है, हैबिटेट शॉट्स है। ये बहुत कॉमन दिखता है हमारे यहाँ, ये फार्मर्स है। और ये सामने इगरेट। और कुछ पूछना है तो इसके बीच में पूछ सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा। ये देखो ये जो मेटिंग हो रहा है यहाँ पे, और ये जो अंडा देता है मतलब एग लाइज करता है, तो ये पानी के नीचे करता है। इधर थोड़ा जूम कर लो, ये यहाँ पे पानी के नीचे ये अंडा देता है, मतलब पानी के एकदम करीब। अगर पानी या लैंड के मतलब बीच मतलब पास में रहेगा तो ऐसा ही होगा, मतलब ऐसा बिहेवियर इनका रहता है जब अंडा देता है। एक फ्लाइंग शॉट है इसका। यो ट्रिटन स्पाइडर जो मैंने पहले बोला उसका ये हैबिटेट है कि जब ऐसे ही मतलब ट्री का नीचे का इस ट्रंक में ये रहता है। आप लोगों में से किसी ने स्पाइडर का मेटिंग देखा है? स्पाइडर का मेटिंग शायद नहीं। ये देखो दो ट्रिटन स्पाइडर है, इन लोगों का मेटिंग ये मैंने पहली बार देखा था स्पाइडर का। ये ब्रोंज विंग जकाना है, अभी कॉन्जर्वेशंस। लाइक ये देखो एक ब्लैक काइट है, ये रोड किल है, ठीक है। ये कैसे हुआ, यहाँ पे जूम करो। आप लोगों में से सभी शायद पतंग उड़ा सकते हो, मुझे तो नहीं आता पतंग उड़ाना। ये काइट, ये जो ब्लैक काइट है इसके शायद पैर में ये पतंग का डोर अटक गया है, और इसी से शायद इसका एक्सीडेंट हुआ था तो ये इधर गिर गया। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये पतंग का डोर है, लाइक ये तो बहुत हो जाएगा। ये इमेज मेरा नेचर टीटीएल में विन हुआ था, ये फियोनिक्स करके था इसका टाइटल ट्रोंगो। ये देखो इसका जो होस्ट प्लांट था वहां पे पेस्टिसाइड्स दे रहा था तो तभी इसके ऊपर भी आ गया, ठीक है। और इससे इन लोगों का हैबिटेट थोड़ा डिस्टर्ब होता है। ये जो होस्ट प्लांट है इसके ऊपर ये देखो कॉमन टाइगर है, ये ब्लू टाइगर है, और ये भी कॉमन टाइगर। तो ऐसे पेस्टिसाइड्स देते हैं ये लोग। ये अम्फन याद है आप लोगों को, वेस्ट बंगाल में जो आया था अम्फन सुपर साइक्लोन शायद होगा, तो वहां पे उस दिन के बाद मैंने लिया था। ये बायो वेवर का नेस्ट भी पड़ा है यहाँ पे, एक दो या तीन, ये तीन अम्फन सुपर साइक्लोन, बहुत ही भयानक एक साइक्लोन था, उसका कैजुअलिटी था।
ये रोड किल है, डॉग, स्ट्रीट डॉग्स। ये देखो क्रिएटिव शॉट्स, अभी ये सभी इमेजेस ना बहुत ही मतलब बेसिक सा लेंस से लिया हुआ है, 7300 mm निकॉन का। इसमें मतलब आप लोगों को बताना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे एक्सप्लेन करना, और टाइम भी लगेगा, तो टाइम नहीं है इसीलिए मैंने छोटा छोटा मतलब बोलूंगा। अभी ये सर्कुलर मूवमेंट का मूवमेंट से लिया हुआ है कैमरा को, ये स्लो शटर है इमेज का, ये बैकग्राउंड ऐसे पानी था इसीलिए ये ब्लैक हो गया, और शायद आफ्टरनून का ही था, कुछ 2 या 3 बजे का इमेज। ऐसे आप कैमरा को ऐसे मूव कर सकते हो, इधर इमेज दिया हो। और कुछ कहना है? नहीं, मैं देख रहा था मतलब कैसे लेना है इसको। तो अभी आप लोग ऐसे मत सोचना कि मैं जाके ऐसे ही ले लूंगा इमेज, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये तो मुझे भी अभी अभी सीखने को मतलब मैं अभी सीख रहा हूँ ये स्टाइल। ये देखो ये डीआर का एक टिल्ट मूवमेंट है, मतलब कैमरा को ऐसे स्लो शटर में टिल्ट करके करके ऐसे शायद 15 इमेज लेने के बाद ऐसा इमेज मिला मेरे को। ये जीप से लिया हुआ है, जीप स्टेडी था और ये रन कर रहा था ये डीआर, तो तभी ऐसा टिल्ट करने को ऐसे मिला मेरे को इमेज। एक प्रेइंग मेंटिस है, ये पीछे एक लाइट था, वो लाइट एक लीफ के ऊपर ये प्रेइंग मेंटिस था और लिया हुआ है। इसमें ऐसा कुछ क्रिएटिव था नहीं, जस्ट ये भी एक लाइक इसका टाइटल एलियन एंड द यूएफओ है, क्योंकि ये एक यूएफओ जैसा है नाइट में, ये नाइट में लिया हुआ है, और ये एक प्रेइंग मेंटिस एलियन के जैसा। ये एक डीआर का है, आप ये मतलब ऐसे नॉर्मल भी फ्रेम रख सकते थे कि एक डीआर है, पीछे ग्रासलैंड है, कुछ ऐसे टाइप, पर मैंने इसे ओवर एक्सपोज करके लिया। शटर स्पीड लो था, आईएसओ हाई था, एंड एपर्चर वैल्यू शायद 5.6, उसके नीचे तो 500 mm पे नहीं जा सकता है। तो ऐसे आप लोग इंटरेस्टिंग मतलब देखो द आर्ट ऑफ एन इन्फेंट, मतलब ऐसे कुछ बच्चा अगर ड्राइंग कर रहा था कि उसके बीच में वो छोड़ के चला गया, तो ऐसा ड्राइंग हो गया। एक डियर को कलर किया, बीच में कुछ ग्रीन ग्रीन ग्रास किया, और बात ये जो है व्हाइट छोड़ के चला गया लाइक दिस। जूम बस्ट, ये तो सभी यूज करते हैं शायद, ये कॉमन सा है टर्म, जूम बस्ट इमेज, पेरिविंकल फ्लावर है। तो ये ट्राइपॉड से लिया हुआ, मतलब ट्राइपॉड पे लिया। यहाँ पे बहुत सारे न्यू स्टार्ट कर रहे हैं फोटोग्राफी, तो ज़ूम बस्ट एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, ज़ूम बस्ट ऐसा है कि आप अगर ज़ूम बस्ट में आपको एक ऐसा लेंस लेना पड़ेगा कि वो ज़ूम होता है, मतलब जैसे कि 7300 mm, 1855 mm, तो इस और कोशिश करें कि वो जो लेंस है उसका जो ज़ूम फीचर होगा वो एक लूज होगा, टाइट होगा, तो आपको फ्रेम में मतलब फ्रेम में नहीं, आपको कैमरा में शेक मिलेगा, तो इससे आपको फ्रेम जो मतलब अच्छा नहीं आएगा, वो हेजी हो जाएगा। ज़ूम बस्ट में ऐसा होता है कि मान लो कि इस इमेज अगर नॉर्मल है, इसको नॉर्मली सोचो, ठीक है, अगर ज़ूम बस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्लो शटर रखना पड़ेगा, तभी ना ये मूवमेंट आएगा। ये जो ऐसा हुआ है, एक जो मूवमेंट हुआ है, ये स्लो शटर स्पीड के वजह से ही हुआ है। लाइक ये इमेज के लिए मैंने शायद 30 या 20 सेकेंड रखा था, तो उसके बीच में जब आप शटर बटन को प्रेस करो तभी आपको जूम आउट या जूम इन करना है, तभी आपको मूवमेंट मिलेगा। तो आपको कैसा मूवमेंट चाहिए उसके हिसाब से आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हो। आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको, एक हैंड हेल्ड भी कर सकते हो, ट्राइपॉड में भी कर सकते हो। मैं तो सारे इमेजेस हैंड हेल्ड ही लेता हूँ। इस दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे दिया था ट्राइपॉड, तो मैंने कुछ ट्राई किया था। मतलब ज़ूम बस्ट के लिए आपको स्लो शटर इज मस्ट। ये एक इग्रेट एंड सोल करके है, एक इग्रेट का है डबल एक्सपोजर,
आप लोगों को पता है कि मुझे नहीं मालूम, एक कैमरा में एक फीचर होता है डबल एक्सपोजर या मल्टीपल एक्सपोजर। आप थ्री इमेजेस या टू इमेजेस को एक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हो कैमरा में ही। इसके लिए कोई फोटोशॉप या लाइटरूम का जरूरत आपको नहीं है, तो वो नहीं अलाउड है, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह में वो एडिंग या रिमूविंग अलाउड नहीं है। पर अगर आप कुछ इन कैमरा में करते हो तो वो आपको अलाउड है, जब तक आपके पास रॉ या जेपेग है। ये एक डेजर्ट एंड मून करके है इसका, ये भी एक मतलब डबल एक्सपोजर का ही है, मतलब दो इमेजेस एक इमेज में हुआ है। तो मैंने इस इमेजेस के लिए एक पहले तो ये स्लो शटर मतलब शायद 1.3 या 2, 1/2 सेकेंड के लिए शटर रखा, और उसमें एक हेजी सा मतलब ऐसे टिल्ट करके ये वाला आया, ठीक है, मतलब ये वाला मैंने खींचा पहले। ये मून का ही, ये रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन नहीं कहूंगा, मून का ही है, ये एक ब्लरी पार्ट है जो मैंने कैमरा को ऐसे 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 करके लिया, और उसके बाद एक नॉर्मल सा नॉर्मल शटर में ऐसा लिया, जो एफ नंबर था वो शायद 11 था, तभी मेरे को ये मून का डिटेल्स मिला। तो दो इमेजेस लिया, फिर बाद में ये इमेज कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और डबल एक्सपोजर में जो मैं कैमरा यूज करता हूँ उसमें डबल एक्सपोजर करना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसमें कुछ और जो अभी नया नया कैमरा है लाइक D500 और या उसके ऊपर का जो कैमरा है उसमें तो इजी रहता है कि आप एक इमेज अभी लो, एक इमेज 2 दिन बाद लो और दोनों को मर्ज कर दो तो हो जाएगा डबल एक्सपोजर। तो मेरे कैमरा में नहीं होता है अभी, तो दिक्कत रहता है। डबल एक्सपोजर बहुत ही डिफिकल्ट है। और एक भी है, और एक जो है इन कैमरा इमेज ओवरले ले, वो भी डबल एक्सपोजर से सिमिलर है, पर इन कैमरा इमेज ओवरले थोड़ा इजी रहता है। तो आप डबल एक्सपोजर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो इन कैमरा वो इमेज ओवरले आपके लिए बहुत इजी रहता है। ये देखो इसमें दो किया हुआ है मैंने, इटरनल लव करके इसका टाइटल, एक स्टैग और डो का है। इसमें जो टेक्निक यूज हुआ है, एक जूम बस्ट है, जूम बस्ट इमेज, ये पहले का जो इमेज है मतलब पहले का जो डीआर है इसका मैंने जूम बस्ट निकाला, ठीक है, ये इमेज का जूम बस्ट निकाला, और बाद में डबल एक्सपोजर में इस एक पीछे का जो था ये अलग से लिया। वो कैमरा उस दौरान मेरा कैमरा मैंने बाजू में रख दिया, क्योंकि जब मैंने ये इमेज लिया उसके बाद मेरा माइंड में था कि मैं ऐसा ही कुछ फ्रेम बनाऊंगा कि एक स्टैग होएगा और एक डो रहेगा, ठीक है, तो तब एक मतलब एक कनेक्शन बनेगा फ्रेम में। तो मेरा कैमरा को मैंने बाजू में रख दिया, जब मेरे को ऐसा दिखा कि चलो इस अगर ऐसे लिया तो ये इसके ऊपर नहीं रहेगा, ये इसके पीछे नहीं जाएगा, वो ये आपको करने करने में मतलब तो हो जाएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट टाइप। ये इमेज आपको मतलब दिखेगा नहीं, ये एक पीछे का एक डीआर है और सामने एक स्पाइडर है, ये इमेज ओवरले का था, ये गूगल मीट में क्लियर नहीं रहेगा इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं अभी। ये कॉमन किंगफिशर है और कैमरा मूवमेंट से लिया हुआ है स्लो शटर में। ऐसे ही आर्टिस्टिक इमेजेस मतलब मैं अभी ले रहा हूँ, ये एक पेंटिंग जैसा लग रहा है ना, कि ये नॉर्मल भी मतलब मैं ले सकता था, पर मैंने अभी कैमरा मूवमेंट की वजह से ऐसा पेंटिंग वाला इमेज आया, वाटर कलर पेंटिंग। ये मेरा बहुत ही फेवरेट इमेज है, एक ड्रैगन फ्लाई का है, और टेक्निक जो है इमेज ओवर ले करके लिया हुआ है जो डबल एक्सपोजर से इजी रहता है। एक पीछे जो ग्रास है, इस ग्रास में ये डेलाइट में ही लिया हुआ है, और जो ये पीछे का ग्रास में जो बुखे दिख रहा है ना, ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, वाटर नहीं एक्चुअली सैनिटाइजर का है। तो मेरे पास वाटर तभी था नहीं, तो मैंने क्या किया, जो सैनिटाइजर था उसको ही स्प्रे कर दिया वो ग्रास के ऊपर, तभी ऐसा बुखे आ गया। ये आपको मतलब ऐसे करना पड़ेगा कभी कभी लेने के लिए। और ये अलग से लिया एक फोटो ड्रैगन फ्लाई का, अगर जूम करोगे तो दिखेगा कि ये फ्लाई कर रहा है, मतलब ये जब उड़ने वाला था तभी मैंने लिया इसका, तो एक फायरी सा फील देता है इसका जो मतलब विंग्स है। ये ड्रैगन फ्लाई का इमेज है, और एक बार जूम कर लो इधर ये फ्रेम को, तभी आपको ये डिटेल्स दिखेगा, पीछे का जो बोके है उसका एक मतलब जो बोके है वो सर्कुलर नहीं है,
एक लव टाइप का कुछ एक है। बार मैंने भी ये किया है। हाँ वो बता दो टेक्निक, मैं नहीं बताऊंगा, वो तुम बता दो। मैंने तो पेपर में फिर ये हार्ट शेप कट किया था एंड उसको लेंस के हिसाब से उसके सामने लगा के फिर बोके यूज किया ये तो आप भी प्रो हो ना, आपको ये था। पता है। तो ये एक टेक्निक होता है कि आपका अपर्चर कैसा होता है, सर्कुलर ना, तो आप क्या कर सकते हो, अगर लेंस यूज कर रहे हो तो उसके हुड पे एकदम सेंटर में आप एक बार वो मेजरमेंट कर लेना, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा, लाइट नहीं आएगा, बहुत ही दिक्कत होता है। तो वो तुमको पता होगा, शायद तुमने किया है ना। जो किया है वो काफी तुम्हें ट्राइज के बाद मेरा परफेक्ट फिर वो मेजरमेंट है, उसके बाद फिर मैं देख पाया। वो तो एक आप ब्लैक ब्लैक जो होता है, ब्लैक पेपर यूज कर सकते हो ताकि बाहर का ज्यादा लाइट ना आए, आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। उसके ऊपर आप वो शेप करके, ऐसे बटरफ्लाई का शेप, लव का शेप, या तुम्हारा नाम का शेप, जो भी हो वो करके आप बोके को या फिर हाँ कलर पेपर यूज करके अगर वो कलर ऐड करना तो एक फिल्टर टाइप का करता, क्योंकि मैंने येलो पेपर से किया था तो एक येलो टोन आ रहा था इमेज में। तो वो फिल्टर का भी एक रहता है कि आप अगर लेंस में कुछ अलग अलग फिल्टर, लाइक इंडी फिल्टर, मुझे अभी फिल्टर में कुछ ऐसा नहीं है, तो मेरा तो नॉर्मल फिल्टर से ही रहता है। जो लैंडस्केप वगैरह करते हैं ना, लैंडस्केप फोटोग्राफी, तो उनको फिल्टर का रहता है कि कुछ कुछ फिल्टर मतलब स्मूथ कर देता है, ये सब तो होता रहता है। ये एक है और बस खत्म हो गया। अभी बोलो, अभी किसी को हाँ कुछ। तो चैट बॉक्स में दो लोगों ने अपना इंस्टाग्राम आईडी शेयर किया, तो उनके कुछ पिक्चर्स रिव्यू करते हैं देन वी कैन एंड। ठीक है, वेट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके ऑल्सो गाइज, द अटेंडेंस फॉर्म हैज बीन शेयर्ड ऑन द चैट बॉक्स, सो प्लीज फिल दैट फॉर मार्किंग योर अटेंडेंस एंड प्लीज गिव अस योर फीडबैक। श्रेष्ठ, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू। नो इट वॉज नॉट फॉर यू, लाइक इट वॉज जस्ट फॉर द ऑडियंस फॉर अटेंडेंस। हाँ, कुछ स्वरूप ने कुछ पूछा था, ये स्पाइडर मीटिंग मीटिंग वाला पिक्चर आप कहाँ पे कैप्चर किए। ये मेरे घर के एकदम सामने एक पॉन्ड है, तो वहां पे ही लिया होगा। मैंने बोला ना, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है, मेरा घर के आजू बाजू मुझे मिल जाता है सब। मतलब पहले दिखता नहीं था कुछ, अभी तो दिखता है, क्योंकि अभी मैं इस फील्ड में हूं, तो मेरे को दिखता है कि चलो यहाँ पर तो बैठ सकता है। ये आप जब करोगे फोटोग्राफी, तो मतलब आपको एक अंदाजा हो ही जाएगा कि ये ड्रैगन फ्लाई यहाँ बैठ सकता है, ये बर्ड यहाँ बैठ सकता है, इसके आपके माइंड में एक फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। अगर आप लोग फोटोग्राफी से अर्निंग की बात करो, तो ये एक दिक्कत रहता है हमारे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में तो उतना स्कोप नहीं है। मतलब आप मोबाइल फोटोग्राफी करते हो या DSLR से हो, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि आप जो एंड्रॉयड का जो होता है, एंड्रॉयड में जो सभी कंपनीज होते हैं उनका थीम स्टोर रहता है, लाइक सैमसंग का थीम स्टोर, EMI का थीम स्टोर, ठीक है, आप लोग वहाँ एक डेवलपर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि आप अपना इमेज कंट्रीब्यूट करो उनको वॉलपेपर की तौर से, और वो उस पे थीम बनाए। जब वो थीम डाउनलोड होगा या फिर उसका जो मतलब सेल होगा, उसके ऊपर एक आप परसेंटेज डिसाइड कर सकते हो, ये एक ऑप्शन रहता है। और हमारे मतलब एक वेबसाइट है जेड करके, मतलब मैं चैट में उसका दे देता हूँ। ऑल्सो दो लोगों ने अपना इंस्टाग्राम आईडी हाँ शेयर ठीक है, किया अभी है। करता हूँ। आप लोग एक बार गूगल में ये जेड मार्केटप्लेस करके आप सर्च कर लेना, तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आप फोटोग्राफी करते हो तो वहां पे वॉलपेपर अपलोड करो, आपको पेमेंट भी मिलेगा, ठीक है, ऐसा रहता है। ये कभी ये कोई बताएगा नहीं आप लोगों को, कभी सुना भी नहीं होगा शायद, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको दिया। 1 मिनट, ओ ठीक है। इंस्टाग्राम कहाँ पे दिया है? गूगल के चैट बॉक्स में, मतलब यहीं पे जो चैट बॉक्स है ना उसी में अच्छा, ऊपर में दो।
ठीक है, मैं मेरा फोन का अभी स्क्रीन प्रेजेंट कर देता हूँ तभी सबको दिखने को मिले। अभी दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? हाँ ठीक है। ये तो एक ही लिंक जगह क्यों शायद लिखा गया? कहाँ? ओह सॉरी, ये वाला सौरभ। हाँ भैया, हाँ दिखते हैं। ये जो इमेज है इसके सामने ये क्या आया है? कुछ ऐड किए थे एलिमेंट? नहीं भैया, थोड़ा ग्रेडियंट रिटच करा था। लोधी रोड का, लोधी गार्डन है ना जो, वहां हाँ का शॉट है। ऊपर पैरट बैठा हुआ है, धनुष का हाँ शॉट है मिनिमलिज्म के लिए। बिल्कुल नहीं, वो जो आपने ग्रेडियंट ऐड किया है वो फोटोशॉप या बिल्कुल। लाइटरूम से? अच्छा नहीं सर, एडोब फोटोशॉप से किया। अच्छा ठीक है। अभी 12 ही फोटोज हैं आपके, मतलब पोस्ट? हाँ सर, अभी स्टार्ट ही किया है कुछ दिनों पहले। अच्छा, ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कुछ इधर एलिमेंट ऐड किया है इस साइड में, ये एक अच्छा बात है। कर सकते हो कुछ इंटरेस्टिंग, अगर इसको हटा दो तो एक नॉर्मल सा फ्रेम हो जाता, कुछ मतलब ऐसा नया सा नहीं लगता कि एक डक ऐसा पानी में है और आपने जस्ट ले लिया। कुछ ऐड करो, ये फोन से लिया हुआ है? नहीं सर, ये तो कैमरे का शॉट है। ओ ठीक है। ओ आप केवलादेव नेशनल पार्क हो, तो अच्छा ही है। ट्राई करते रहो कुछ ना कुछ, मतलब नयापन लाओ इमेज में, ठीक है? हम सभी को कुछ नयापन लेके आना है, ट्राई तो वही करना है। इधर अभी आपके तो इमेजेस नहीं है तो और क्या, और दूसरा क्या है, नेचर शर। एक मिनट एक मिनट, ये वाला इसका नाम क्या है? स्पेलिंग गलत हो गई वहां पे, एक्सप्लेन AHUL है। और आप लोग जब इंस्टाग्राम में यूजर नेम बनाते हो तो कुछ ऐसा रखो कि मतलब जल्दी से जल्दी कोई याद कर सके, ठीक है? तो आपको रीच ज्यादा मिलेगा। आप क्या मोबाइल फोटोग्राफी करते हो? कौन है ये? यस राम। अच्छा, तो तभी तो आपने बहुत ही अच्छा लिया है ये तो। ये क्या है इसका नाम लिया अभी? लाइम बटरफ्लाई, लाइम यस योलो लाइम, ये भी मिलता है हमारे यहाँ। हाँ, ये हाथ में ये हमारे हाथ में भी आता है, बटरफ्लाइज मॉथ्स जो भी है। अच्छा लिया है ये वाला। तो आप जब ऐसे लेते हो ना
तो कोशिश करो कि उसका वो जो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। ये वाला भी सही है, मोबाइल से भी अच्छा अच्छा होता है इमेजेस, आप ट्राई कर सकते हो। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये मेरा सैमसंग से लिया हुआ है सभी इमेजेस। एक ट्री का है, सामने का फोरग्राउंड में मैंने कुछ ट्रीज का एलिमेंट ऐड किया है, मतलब फोटोशॉप में मैंने नहीं, ठीक है, ये एकदम नेचुरल फ्रेम है, और ऊपर से कुछ बर्ड चाह रहा था उसका लिया। ये देखो, ये एक, ये इतना करीब से क्यों है, मतलब इसके पीछे का एक स्टोरी है। ये बर्ड थोड़ा इंजोर्ड था तो हमने इसको क्योर किया, ठीक है, और उसके बाद रखा, तो उड़ने के लिए अभी तैयार नहीं था तो उसको रखा और उस फिर लिया हमने, फिर बाद में उसको ठीक से क्योर किया, बाद में उसको जाने दिया। से एनिमल क्रुएल्टी का इल्जाम मत लगा देना अभी तुम लोग। ये देखो, ये बारिश के सीजन में मतलब हाथ पे एक हाथ में छाता था और एक हाथ में फोन उससे लिया हुआ था, तो फोन से भी होता है। अच्छा ये देखो, ये हमारा मैक्रो में से है, ठीक है, ये सैमसंग A51 में यूज करता हूँ, उसके पीछे का जो है मैक्रो कैमरा है उससे लिया हुआ है। तो अगर कोई कहता है कि फोन से अच्छा फोटोज नहीं आता है, वो गलत है, फोन से भी बहुत अच्छा अच्छा फोटोज आता है, आपको सिर्फ पेशेंस रखना पड़ेगा कि थोड़ा देखो लाइट एडजस्ट करके, और मैनुअल पे भी आप खींच सकते हो। आप लोग जो DSLR में फोटोज लेते हो, मैनुअल यूज करता है या ऑटो, अगर कोई है तो। ठीक है, अभी आपका मर्जी, आप कैसे भी लो, बट मैनुअल लेने से आपको लाइट का बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये भी एक मैक्रो से लिया हुआ है, सैमसंग का ही। फोन से तो फ्लावर्स का इमेजेस बहुत अच्छा आता है, कहीं उड़ के भी नहीं जाएगा, कहीं भागेगा भी नहीं, जैसे मर्जी लो। ये प्लेन टाइगर का था, ये फोन से ही लिया हुआ, ये फ्रेम थोड़ा कट गया, बस हो गया श्रेष्ठ, अभी देखो। हाँ ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम फॉर अस। इट वाज रियली एन एनरिचिंग एंड आई लर्नड अ लॉट, सो आई एम होपिंग दैट एवरीवन एल्स आल्सो लर्नड अ लॉट। सो नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर कृष्णा मिश्रा टू द प्रेसिडेंट ऑफ हरितम टू गिव द वोट ऑफ थैंक्स। थैंक यू। थैंक यू श्रेष्ठ, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस यस यस, थैंक्स अ लॉट सप्तऋषि, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल ग्रीन माइंड्स टू अटेंड टू ज्वाइन दिस सेशन टुडे, एंड आई होप दिस सेशन इज क्वाइट स्पेशल इन टर्म्स ऑफ द स्पीकर इटसेल्फ, बिकॉज अभी तक जितने भी स्पीकर थे उन सब में सबसे ज्यादा यंगेस्ट स्पीकर हैं अपने सप्तऋषि सर, जो कि अरे आप सर सबके मत बोलो सामने यार, ये मेरा पहला हैं। सेशन था और मुझे ऐसा आदत नहीं है। अभी तो मैं ऑनलाइन क्लासेस में अपना कैमरा माइक ऑफ करके बैठता हूँ, तो यहाँ पर तो मुझे ही बोलना था, मैं बहुत नर्वस था। नहीं, कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, एंड दैट्स वाई लाइक हम लोगों का जब जिस समय हम लोग आपको इन्विटेशन दे रहे थे तो एट द सेम टाइम सप्तऋषि वॉज लाइक कि आई एम नॉट दैट मच केपेबल टू मैंने हैव बोला अ, था। हाँ, नॉट केपेबल टू हैव अ स्पीकर सेशन, एंड दैट वॉज द सिंपल पॉइंट एंड स्पेशल पॉइंट जिस पे हरितमा का फोकस था कि अभी तक जितने भी स्पीकर आए हैं उनका एक्सपीरियंस बच्चे कहीं ना कहीं उनका ऑडियो चला गया शायद। They are not audible. Wait, now am I audible? Yes. So I think all the audience have enjoyed this session a lot. Few points that we need to focus on, for example, बहुत अच्छी बात कही जैसे कि सप्तऋषि ने रिगार्डिंग नेचुरलिटी, ओरिजिनलिटी इन मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स ही फोकस्ड ऑन कि जो भी ओरिजिनलिटी है, आजकल हम सिंपल से सिंपल फोटोज को भी एडिटिंग के थ्रू बहुत अच्छा बना सकते हैं, बट द फोटोग्राफी इज अबाउट टू कैप्चरिंग द ओरिजिनलिटी इटसेल्फ, दैट इज फोटोग्राफी, लाइक व्हाट इज फोटोग्राफी इज, राइट? इन द सेम वे ही पिक वन वर्ड, फॉर एग्जाम्पल आर्ट ऑफ इंसेंट,
कि कोई बच्चा आया उसने आधे कलर करे और वो कलर करके चला गया. दैट वॉज अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट एंड दिस इनोवेशन मेक्स सप्तऋषि डिफरेंट फ्रॉम अदर फोटोग्राफर्स ऑफ द सेम एज. एंड दैट्स सो जस्ट ग्रैब इट ट्राई इट ट्राई इट ट्राई इट एंड सप्तऋषि देयर इज अ प्रपोजल फॉर यू एंड आई विल लेट यू नो आफ्टर द सेशन इटसेल्फ रिगार्डिंग हरित्मा. ओके सो टिल नाउ आई वुड लाइक टू थैंक यू Dingus for giving this opportunity to organize this session. I would like to thank our patron, Dr. Rama, Principal Ma'am, who gave this opportunity, our convener, Ma'am, our core members, council members, our Haritma volunteers, and organizing team of Frames, Shresht and Naina. And I would like to thank for giving us a real ground experience. And this is all a आपका एफर्ट्स आर नॉट बैक्ड बाय एनी एज. जैसे कि आप सबने सुना कि सप्तऋषि इज ओनली 19, सो इट्स इट्स इटसेल्फ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस दैट एज डजंट मैटर फॉर एंड इफ यू टाइप सप्तऋषि इन गूगल तो विकिपीडिया पे सबसे सबसे ऊपर लिख कर आएगा सप्तऋषि गेन. ही वन द टाइटल ऑफ नेचर TTL यंग फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020. सो लाइक दिस की फोटोग्राफी इज नॉट ऑल अबाउट कि जस्ट फोटो खींच ली. इट्स ऑल अबाउट कि आप देख जैसे कि आपने आपने देखा सप्तऋषि को कि ही अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कि कब वो एनिमल क्या करने वाला है. लाइक पेशेंस किस टाइम पे कौन सी पिक्स लेनी है. वेट करना पड़ता है लंबे समय तक किसी एक क्लिक को लेने के लिए. दिस इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड इंटरेक्शन विद द नेचर. सो वी कैन हैव लाइक वी in this manner too and very beautiful collection regarding the conservation. I would like to request Sathrishi to please share this PPT with us so that our volunteers will get inspiration, some idea how to get. Can I share the link? Sure like I will add you in the WhatsApp group itself so that volunteer you with more examples and things. एक बात, वो जो ग्रुप है वो क्या डेडिकेटेड इसी सेशन के लिए था, मतलब या कोई बात होगा तो वो इस सेशन के लिए डेडिकेटेड था. जो हमारा और सेशन होता है उसके लिए फिर हम लोग इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो करने से पता चल जाएगा. इंस्टाग्राम में कोई भी अगर 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 कोई अगर अपने इमेज आना चाहता है तो उसी ग्रुप में दे सकते हो. मैं भी कभी कभी दे दूंगा, ठीक है, तो सबको एक अंदाजा होगा कि क्या कोई कुछ कर रहा है. और एक बात है, जो अब लोग ये इंस्टाग्राम अभी तो बहुत ट्रेंड में है, ठीक है, तो सबको फॉलोअर्स मांगता है, मतलब तो फॉलोअर्स ज्यादा तो ज्यादा अच्छा फोटोग्राफर. ऐसा नहीं है, आप अपने काम में फोकस करो, फॉलोअर्स तो आते रहेंगे जाते रहेंगे. ये फॉलोअर्स किसी काम के नहीं है, सिर्फ लाइक करते हैं और मतलब ऐसा, ये सच है, ये फॉलोअर्स कहीं का नहीं है. सिर्फ फॉलो करते हैं लाइक करते हैं उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप अपने इमेजेस में फोकस करो, फोटोग्राफी स्टाइल में फोकस करो, कुछ इनोवेटिव सा लाओ. और अगर आपका कुछ मेंटेलिटी ऐसा है कि आप में मतलब फोटो में फोटोशॉप में एडिट करके कुछ एलिमेंट करके उसको ब्यूटीफुल बनाऊंगा, तो आपको फॉलोअर्स जरूर मिलेंगे, ठीक है, फॉलोअर्स बहुत मिलेंगे. मतलब फिर उसमें से आपको कुछ फायदा नहीं होगा, वो फॉलोअर आपका करता रहेगा, आपका कुछ एक्सपीरियंस नहीं बढ़ेगा उससे. गलती करो, उसको सुधारो, फिर जाके आप एक स्टेबल फोटोग्राफर बन पाओगे. डेफिनेटली वही कोशिश कर रहा हूँ. एंड डेफिनेटली विद द सेम नोट ऑफ ट्राई ट्राई ट्राई, बिलीव योरसेल्फ एंड जस्ट टू इंटरेक्ट विद नेचर. एंड इफ यू आर सीकिंग फॉर फोटोग्राफी एक्सपर्टीज, यू कैन ज्वाइन अस हरित्मा इन फ्रेम्स. देयर वी रेगुलरली ऑर्गेनाइज these types of workshops. Maybe kya wo frames mein join kar sakta hu mera photos bhi. definitely Sathrishi, you can also join because Hitma is now Pan India Society. Okay, and all the members can get certificate of that, and soon and like Delhi will open after corona, we will have some some photography sessions, offline sessions for the same. So this is it today. Thanks a lot for joining us, and we will soon meet you again with a new speaker, with new topic, maybe the same speaker with new topic. So thanks a lot, stay safe and stay motivated. Thank you, have a nice day. Also, don't forget to fill the feedback and attendance form if you have attended the session. It's in the chat box. Session.